लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान जारी, 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग, जम्मू के 5 संसदीय क्षेत्रों में भी वोटिंग जारी। जयराम ठाकुर पर जमकर बरसे विक्रमादित्य सिंह, कहा लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे जयराम, जयराम के साथ ओपन डिबेट करने के लिए तैयार। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा आज पूरा देश देख रहा, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान, जनता देगी कांग्रेस को जवाब। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी का चुनावी प्रचार, विधायक अजय सोलंकी भी रहे मौजूद, कहा कांग्रेस ने पूरी की चुनावी गारंटियां। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को दी चुनौती, कहा केंद्र से 9000 करोड़ वापस लेकर दिखाएं कंगना, जनता तय करे अभिनेता चाहिए या नेता। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले रणधीर शर्मा, कहा समानता पैदा करने वाला है कांग्रेस का घोषणा पत्र, बीजेपी ने किया सभी वर्गों के लिए काम। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है कांग्रेस की वसूली, जनता का पैसा अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहती है कांग्रेस। ऑनलाइन सुविधा पोर्टल और ऐप शुरू, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा सुविधा पोर्टल और ऐप के जरिए करें आवेदन। 112 साल की बुजुर्ग महिला ने की वोट डालने की अपील, जूनी गांव पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम, टीम ने महिला को किया सम्मानित। बिलासपुर में फायर सीजन की तैयारी में जुटा वन विभाग, जंगलों के संरक्षण के लिए स्पेशल टीमें की तैयार, विभाग का 2.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य।